बॉलीवुड के सिंघम यानी कि हमारे इंटेंस लुक वाले अजय देवगन चाणक्य की बायोपिक क्यों करना चाहते हैं? चाणक्य की शूटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है, फिर भी इसे 1000 करोड़ी फिल्म माना जा रहा है। किस सुपरस्टार ने अजय देवगन को डार्क हॉर्स कहा? अजय को स्टंट सीन करने से किसने रोक दिया था? बॉलीवुड की कौन सी दो अभिनेत्री हैं जो अजय से शादी करना चाहती थी? चाणक्य ने क्यों कहा कि यूथ को काम वासना से दूर रहना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गरिमा और आप सभी का स्वागत है बोलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन इन दिनों फिल्मों में बिजी चल रहे हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि सिंघम जल्द ही एक नई फिल्म में काम करने जा रहे हैं। जी हाँ, अजय देवगन यूं तो अपनी आने वाली फिल्म टोटल धमाल में बिजी हैं, लेकिन अब वो जल्द ही ऐसा रोल करने जा रहे हैं जो पहले उन्होंने नहीं किया है। अजय देवगन जल्द ही अब चाणक्य बनने जा रहे हैं। जी हाँ, अजय देवगन अब चाणक्य के रोल में नजर आने वाले हैं। हाल ही में अजय ने सोशल मीडिया पर ये बताया है कि वो अपनी अगली फिल्म में चाणक्य बनेंगे। अजय ने सोशल मीडिया पर ये धमाका किया है कि वो अपनी अगली फिल्म में चाणक्य बनने के लिए तैयार है। इस फिल्म को नीरज पांडे डायरेक्ट करेंगे। चाणक्य का इतिहास सभी को मालूम है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाने के लिए खूब मेहनत की थी। वो बहुत बुद्धिमान थे और राजनीति और कूटनीति का अच्छा ज्ञान था। इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया जाएगा। देखते हैं कि फिल्म की बाकी जानकारी कब आती है। अजय देवगन आजकल बहुत ही ज्यादा व्यस्त है, लेकिन एक से एक बड़ी फिल्म साइन करते जा रहे हैं। अजय देवगन के खाते में सिंघम 3, तानाजी द अनसंग स्टोरी, टोटल धमाल, दे दे प्यार दे जैसी फिल्में शामिल हैं। आए दिनों अजय देवगन अपनी आगामी फिल्मों से अपने दर्शकों के बीच अपनी फिल्मों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब जब बॉलीवुड के सिंघम ने चाणक्य फिल्म साइन की है, तो चारों ओर अजय एक परिचर्चा का विषय बन गए हैं। ये आखिर अजय चाणक्य की बायोपिक क्यों करना चाहते हैं? जब हम भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम पन्नों को पलटते हैं, तो हमारा इतिहास बहुत ही खूबसूरत और संपन्न दिखाई देता है। मैंने तो अपने नाना नानी से भी सुना है कि हमारे देश में दूध की नदियाँ बहती थी, लेकिन जब मैं आज अपने चारों ओर नजरें उठाकर देखती हूँ, तो आए दिनों कोई ना कोई ऐसी खबर होती है जिससे मन में एक सवाल उठता है कि क्या ये वही देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि सोने की चिड़िया या दूध की नदी, मेरा प्रश्न है कि हमारे देश की बहन बेटियां आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। ये इसलिए क्योंकि हमारे समाज में संस्कारहीनता ने अपना घर बना लिया है। क्योंकि जब आप किसी से पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उनका हमेशा ये ही जवाब होता है कि डॉक्टर या तो इंजीनियर, पुलिस अफसर या तो बिजनेसमैन या फिर सुपरस्टार इत्यादि जैसे ही जवाब आपको सुनने को मिलते हैं। लेकिन आखिरकार कोई ये क्यों नहीं कहता कि मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ, यानी कि टीचर। हमारे समाज में गुरु की जो प्रासंगिकता थी, वो अब देखने को नहीं मिलती। जब कोई माँ बाप अपना बेटा या अपनी बेटी को टीचर नहीं बनाएगा, तो हमारे देश का भविष्य संस्कारहीन होगा ही। माना कि हमारी जिंदगी में माता पिता का पहला स्थान है और गुरु का दूसरा और भगवान का तीसरा, क्योंकि हमारे माता पिता उंगली पकड़ना सिखाते हैं और गुरु ज्ञान का विस्तार करते हैं, जिसके कारण भगवान का आत्मबोध होता है। जब भी कहीं गुरु ही नहीं रहेगा, तो समाज कैसा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसीलिए हमारे सुपरस्टार यानी कि अजय देवगन चाणक्य के जीवन को पर्दे पर दिखाने जा रहे हैं, जिससे लोगों को पता लगे कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। दोस्तों, अब मैं आपको अजय देवगन की लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हूँ। नंबर फर्स्ट, अजय देवगन का घरेलू नाम राजू है और उनके पास बीकॉम की डिग्री है। नंबर सेकंड, फिल्म में लॉन्च करने के पहले वीरू देवगन बेटे अजय को महेश भट्ट के पास ले गए थे। तब महेश भट्ट ने कहा कि इनकी आंखें बहुत कुछ अपने भीतर छुपाए हैं। इससे वीरू देवगन का काफी उत्साह बढ़ गया। पॉइंट 3, अजय जब फिल्मों में आए तो उनकी शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ाई गई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अजय को डार्क हॉर्स कहा और बिग बी की कसौटी पर अजय खरे उतरे। पॉइंट 4, अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे यश चोपड़ा की लम्हे के सामने रिलीज हुई। लम्हे में अनिल कपूर और श्रीदेवी जैसे सितारे थे, लेकिन अजय की फिल्म ने न केवल लम्हे से जमकर टक्कर ली बल्कि सफल भी हुई। पॉइंट 5, अजय देवगन का असली नाम विशाल है। कॉलेज में दोस्तों के बीच तीन गैंग बड़ी प्रसिद्ध थी, दारा सिंह के बेटे विधु की विधु गैंग, धर्म पुत्र बॉबी देओल की बॉबी गैंग और अजय देवगन की विशाल गैंग। पॉइंट 6, अजय देवगन लंबे इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते। पॉइंट 7, फिल्म में यदि अजय को नाच गाने के लिए कहा जाए तो उनके पसीने छूट जाते हैं। पॉइंट 8, अजय का पूरा परिवार देवी दुर्गा का उपासक है और वे हर वर्ष चादर चढ़ाने अजमेर की दरगाह शरीफ भी जाते हैं। पॉइंट 9, अजय की माँ ने उनके खतरनाक स्टंट सीन करने पर पाबंदी लगा रखी है और अजय ने माँ से वादा किया है कि वे कभी ऐसा नहीं करेंगे,
वे स्टंट सीन पूरी सावधानी के साथ करते हैं। पॉइंट 10, फूल और कांटे के बाद अजय देवगन ने प्लेटफॉर्म, संग्राम, शक्तिमान, बेदर्दी, कानूनी जैसे फिल्में की जिसमें उन्हें सिर्फ मारपीट के दृश्य करना होते थे, इसलिए बतौर अभिनेता उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता था। वक्त को भापते हुए अजय ने यू टर्न लिया और महेश भट्ट की फिल्म जख्म की, और इसके बाद से ही उन्हें बेहतरीन अभिनेता माना जाने लगा। बाद में अजय ने कॉमेडी फिल्में भी की। पॉइंट 11, पहले शाहरुख और अजय को चुना गया था लेकिन दोनों को एक दूसरे के रोल ज्यादा पसंद थे, कोई हल नहीं निकला तो अजय ने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सलमान खान ने ले ली। तब से शाहरुख और अजय के बीच संबंध सामान्य नहीं है। पॉइंट 12, हालांकि अजय का कहना है कि शाहरुख से उन्हें कोई समस्या नहीं है, उनकी पत्नी काजोल ने शादी के बाद भी शाहरुख के साथ काम किया और अपने प्रिय निर्देशक रोहित शेट्टी को भी अजय ने शाहरुख के साथ फिल्म करने दी। कुछ वर्ष पहले शाहरुख की जब तक है जान और अजय की सन ऑफ सरदार एक ही दिन रिलीज हुई थी। 13, कॉलेज में अजय अक्सर अपने दोस्तों के साथ दो मोटरसाइकिलों पर एक साथ सवारी करते थे। उनका यही रियल लाइफ सीन फिल्म फूल और कांटे में फिल्माया गया। बाद में वे दो कारों और दो घोड़ों पर भी एक साथ सवारी करते नजर आए। 14, अजय को फिल्मी पार्टियां पसंद नहीं है और वे बॉलीवुड की किसी भी पार्टी में नजर नहीं आते हैं। काम खत्म होते ही घर जाकर बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। पॉइंट 15, इश्क प्यार तो होना ही था, हलचल, गुंडाराज जैसी फिल्मों की शूटिंग के दौरान अजय काजोल निकट आए, वहीं अजय अंतमूर्खी हैं तो काजोल बहिर्मुखी। संभव है कि दोनों का यही मिजाज उन्हें निकट ले आया हो। पॉइंट 16, दिलीप कुमार के साथ फिल्म करने की अजय की ख्वाहिश है। उन्होंने दिलीप साहब के साथ असर द इम्पैक्ट नामक फिल्म की योजना भी बनाई है लेकिन किसी कारणवश ये फिल्म शुरू नहीं हो सकी, जिसका अजय को आज भी अफसोस है। पॉइंट 17, अजय देवगन ने बाल कलाकार के रूप में 1985 में आई फिल्म प्यारी बहना में अभिनय किया था। पॉइंट 18, अजय ने यूमी और हम 2008 में और शिवाय 2016 में डायरेक्ट की है। पॉइंट 19, 100 करोड़ क्लब में बतौर हीरो अजय की कई फिल्में शामिल हैं। पॉइंट 20, बच्चों से अजय को विशेष लगाव है, इसीलिए उन्हें ध्यान में रखकर उन्होंने 2000 में राजू चाचा और 2010 में टूनपुर का सुपर हीरो फिल्में बनाई लेकिन दोनों ही फिल्में बुरी तरह पिटी। पॉइंट 21, प्रकाश झा, राजकुमार संतोषी और रोहित शेट्टी के अजय प्रिय कलाकार हैं और उनके साथ उन्होंने कई फिल्में की हैं। पॉइंट 22, फिल्म इंडस्ट्री में संजय दत्त और सलमान खान को अजय देवगन अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। पॉइंट 23, 1998 में जख्म और द लीजेंड ऑफ भगत सिंह 2002 के लिए अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिल चुका है। पॉइंट 24, राजकुमार संतोषी की फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह जो कि 2002 में आई थी, इस फिल्म में भगत सिंह का रोल करने के पहले अजय ने अपना वजन कम किया था और भगत सिंह के बारे में कई किताबें पढ़ी थी और इनका अजय पर गहरा असर हुआ था। पॉइंट 25, फराह खान ने एक टीवी शो में अजय देवगन को ओवररेटेड एक्टर कहा था, बाद में उनके भाई साजिद खान ने ही अजय देवगन को लेकर हिम्मत वाला फिल्म बनाई। चाणक्य की चेतावनी, युवा इन बातों से करें परहेज। चाणक्य ने हर उम्र हर वर्ग के लोगों के लिए अपने अनुभवों से संचित ज्ञान को प्रस्तुत किया है। चाणक्य ने युवाओं के लिए खास बातें ऐसी बताई हैं जिनसे उन्हें परहेज करना चाहिए। किसी भी देश का युवा उस देश की शक्ति होते हैं, युवा देश की संस्कृति और धरोहरों के रक्षक होते हैं। तो चलिए जानते हैं चाणक्य ने किन किन बातों के लिए युवाओं को चेताया है कि इनसे बचकर रहें। सबसे पहले आता है काम वासना। देश के युवा को काम वासना से दूर रहना चाहिए। जब युवा इन बातों में उलझता है तो अध्ययन और सेहत पर ध्यान नहीं दे पाता है, काम वासना से वो निष्क्रिय हो जाता है, जबकि ये उम्र सीखने और सक्रिय रहने की होती है। फिर आता है क्रोध। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि क्रोध हर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध में आते ही व्यक्ति सोचने और समझने की शक्ति नष्ट कर देता है। क्रोध से युवाओं को हमेशा बचना चाहिए। फिर आता है लालच। लालच युवाओं के अध्ययन के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक माना जाता है। युवाओं को किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है स्वाद। युवावस्था के छात्र जीवन को तपस्वी की तरह माना गया है। चाणक्य कहते हैं छात्र को स्वादिष्ट भोजन की लालसा छोड़ देना चाहिए और स्वास्थ्यवर्धक संतुलित आहार लेने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आता है श्रृंगार। इसे आज की भाषा में हम फैशन कह सकते हैं। युवा विद्यार्थियों को हमेशा सादा जीवन शैली अपनाना चाहिए, साफ सुथरे रहे, लेकिन अतिरिक्त साज सज्जा श्रृंगार करने वाले युवाओं का मन अध्ययन से भटकता है, अतः चाणक्य कहते हैं इनसे दूरी बनाकर रखें। फिर आता है मनोरंजन। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि छात्रों के लिए जरूरत से ज्यादा मनोरंजन नुकसान
नुकसानदायक हो सकता है। जितना जरूरी हो उतना ही मनोरंजन करें। अधिक मनोरंजन से युवा शक्ति का ह्रास होता है। उसके बाद आती है नींद। अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद की आवश्यकता होती है, लेकिन युवा वर्ग अगर नींद से ही प्रेम करने लगे तो उनमें आलस्य की मात्रा बढ़ जाती है और समय भी उनके पास कम बचता है। चाणक्य की चेतावनी है कि सोने में जीवन को खोना नहीं। फिर आती है सेवा। चाणक्य जी कहते हैं कि सबकी सेवा करो पर अपना भी ध्यान रखो। कुछ युवा सेवा के अतिरेक में आकर स्वयं पर ध्यान नहीं देते हैं, अतः बहुमूल्य समय खो देते हैं। संसार में सीधे वृक्ष और सीधे लोग ही सबसे पहले काटे जाते हैं। जो अपने आप को भूलकर सेवा करता है वह अंत में खाली रह जाता है। दोस्तों अब जानते हैं अजय देवगन से कौन सी दो हीरोइन करना चाहती थी शादी। हलचल, गुंडाराज जैसी कुछ फिल्मों में अजय देवगन और काजोल काम कर रहे थे। काजोल खूब बोलने वाली लड़की थी तो अजय देवगन खामोश रहने वाले इंसान। दोनों का मिजाज एक दूसरे से अलग था और यही बात आकर्षक का केंद्र बनी। दोनों में दोस्ती हो गई और कब वे एक दूसरे को चाहने लगे पता ही नहीं चला। बस एक दिन अजय और काजोल ने शादी का फैसला लिया और कर दिखाया। जब अजय और काजोल ने शादी की तब मीडिया में इस शादी को लेकर काफी कुछ लिखा गया। वहीं काजोल आजाद ख्याल वाली लड़की थी जबकि अजय का परिवार पारंपरिक था। कहा गया है कि ये एक बेमेल जोड़ी है और ये शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1999 में दोनों ने शादी की और ये अब तक टिकी हुई है। काजोल के पहले कुछ हीरोइनों के साथ अजय के नाम जुड़े थे। फूल और कांटे की सफलता के बाद अजय देवगन को कई फिल्में ऑफर हुई और ज्यादातर में करिश्मा कपूर थी। 1992 में जिगर, 1993 में धनवान, संग्राम, शक्तिमान और 1994 में सुहाग जैसी फिल्में बहुत ही कम अंतराल में प्रदर्शित हुई, जिनमें अजय की हीरोइन करिश्मा थी। दोनों का ज्यादातर वक्त सेट पर ही बीतता था और ये कहा जाता है कि अजय की ओर करिश्मा आकर्षित हो गई। दोनों में रोमांस की खबरें तेजी से फैली। एक चुटकुला लोकप्रिय हो गया कि यदि अजय और करिश्मा शादी कर लेते हैं तो उनके बच्चे जैबरा जैसे होंगे, क्योंकि अजय के मुकाबले करिश्मा बहुत गोरी है। जिस समय अजय ज्यादातर फिल्में करिश्मा के साथ कर रहे थे उसी दौरान वे रवीना टंडन के साथ एक ही रास्ता, जो कि 1993 में आई थी, दिव्य शक्ति, दिलवाले जैसी फिल्में भी कर रहे थे। रवीना और अजय के रोमांस की भी खबरें आने लगी जिससे करिश्मा आहत हुई। अजय को लेकर रवीना और करिश्मा में अनबन भी हुई। अजय के बारे में कहा है कि वे एक ही समय में दोनों हीरोइनों के साथ रोमांस कर रहे हैं। बहरकाल रवीना के साथ अजय के रोमांस की खबरें भी धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। 1999 में अजय ने काजोल से विवाह रचा लिया। बाद में उनका नाम कंगना रनौत से जोड़ा गया, जो महज एक अफवाह थी। दोस्तों यदि अजय देवगन चाणक्य बनाते हैं तो इस फिल्म के लिए कम से कम दो बड़े स्टार को साइन करना पड़ेगा, क्योंकि चाणक्य की नीतियों को दिखाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का होना अनिवार्य है। यदि चंद्रगुप्त मौर्य है तो मगध का राजा भी होगा, तो दो बड़े स्टार की एंट्री होना पक्का है। और वो दो बड़े स्टार कौन होंगे इसका खुलासा होना अभी बाकी है। इसीलिए इस फिल्म को 1000 करोड़ी फिल्म माना जा रहा है। अब अगर अजय की फिल्मों को उठाकर देखें तो ऐसा लग रहा है कि अजय देवगन बॉलीवुड के किंग बनने वाले हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या अजय देवगन बॉलीवुड के नंबर वन सुपरस्टार बन पाएंगे या नहीं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। थैंक यू।